ऑफिस के लिए जा रही हूँ। तो आप लोग ये बताओ गाइस, मूड ऑफ होता है तो आप लोग क्या करते हो? आज पता नहीं क्यों मेरा मूड बहुत लो है, जब से उठी हूँ तब से है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा। और एक प्रॉब्लम हो गया, मेरी किसी बैग में कैश नहीं है, सारा कैश मैं खर्च करती हूँ। बहुत मुश्किल से ये 500 मिला है मुझे, अब मुझे पूरे दिन इससे मतलब इसी में निकालना पड़ेगा, क्योंकि घर के पास ATM है गाइस, लेकिन बहुत ही ज़्यादा धूप है, गर्मी है, मैं उतना भी ATM पास में ही है, पास में कहने का मतलब, फिर भी थोड़ा सा चलना पड़ता है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इतनी तेज़ धूप में वहाँ जाऊँ और पैसे निकालूँ। देखती हूँ ऑफिस के पास अगर कुछ है, एक दो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ जो मेरे ATM है, मतलब जिस बैंक का, उसी बैंक से मैं पैसे निकालूँ, लेकिन पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं। मेरे स्टेशन पहुँच ही गए, लेकिन अभी ट्रेन बहुत लेट है, बहुत मतलब मेरे को 15 मिनट हो गया, अभी भी 5 से 10 मिनट है। और आप देख सकते हैं इतना गर्मी है, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। गर्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना गर्मी पसंद है ना ठंडा पसंद है। अभी मेरा मूड ऑफ है तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। अनाउंसमेंट हो गया है, अंधेरी आने वाली है। पता नहीं मैं कौन सा लूज़ कर रही हूँ, मैं ना मतलब
फिर पी गया। हवा खा लो, इसे प्रॉपर हवा मिलता है इससे। मैं भी इधर खड़ी हो जाती हूँ, बहुत गर्मी है यार बाहर। तो मैं फाइनली ऑफिस पहुँच गई हूँ गाइस, और आपको जब भी दिखाऊंगी कि मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है, कितना काम चल रहा है, मैं इतना डांट क्यों खाई थी, तो आप सबको समझ में आएगा कि डांट खाने के बाद मेरा मूड ऑफ हो जाता है। और मैंने कुछ स्वीट्स वगैरह लेकर आई हूँ, कुछ खाने को लेकर आई हूँ, क्योंकि वो बहुत तेज कर लग रहा है। तो पहले आपको दिखाती हूँ, शुरू यहीं से करती हूँ। सही चेयर हट गया, सारा वॉल है ना आप देख सकते हो बिल्कुल प्लेन है। इसमें बहुत पहले मुझे काम करवाना था, लाइटिंग वगैरह का काम करवाना था, और थोड़ा सा वॉलपेपर वगैरह वॉलपेपर लगाना था, लाइटिंग करना था इस दीवार में, तो बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली हम लोग डिसाइड किए कि इसमें कुछ करते हैं, तो हर जगह लाइटिंग करना है, तो ऐसा लग रहा है। तो है ना वो है ना, और मुझे ये मिडिल में चाहिए था, मिडिल में। सर ने बोला वहाँ पे एक बोर्ड रखो। हाँ वो तो वहाँ पे रहेगा क्योंकि पहले से था ना वहाँ पे। एक वो है वो लाइट का है, ये तीनों का। हाँ ये जो है ना यहाँ पे के हैं। अच्छा, और यहाँ पे अभी एक प्लग रहेगा। हाँ। और तीन स्विच रहेगा, ये जो इधर आपको पॉइंट्स लगेंगे, जो लाइट वॉल पे जो लाइट लगेंगे उसके, उसका पॉइंट्स रहेगा। लाइट कहाँ लगाने वाले हैं, कितना हाइट पे? तो अभी आप मार्किंग करोगे क्या? हाँ, तो मुझे आप बता देंगे तो मैं वहाँ, क्योंकि ना मुझे ऐसे लाइट लगाना फोकस लाइट के ऊपर, नीचे जो लाइट आते जाते हैं ना, तो बीच में मिडिल में रहेगा तो ही अच्छा दिखेगा ना। तो आप जैसा बोलिए, यहाँ बोलिए, जहाँ बोलिए हाइट पे रख देता हूँ। हाँ थोड़ा हाइट पे होना चाहिए। हाँ थोड़ा हाइट पे। हाँ ठीक है, ये हाइट पे यहाँ रख देते हैं। इसका सेंटर मेजरमेंट पूरा प्रॉपर ले लीजिएगा, इधर का भी और इधर का भी। हाँ सेंटर पे, और ये भी दोनों का। हाँ, सेंटर पे। हाँ यही, और जहाँ लग रहा है वहीं पर सब लगाइएगा। ये हाइट पे अभी ये इक्वल होगा, इसी इक्वल में होगा। हाँ ये भी। हाँ हाँ, तो इसका ये सेंटर अंदर जी का, यहाँ से। हाँ, और यहाँ से सेंटर, सेंटर। हाँ, इसका यहाँ से सेंटर, और इसका यहाँ से सेंटर लेकर के यहाँ से लू। हाँ यहाँ से आप ले लो, यहाँ से लू ना, ऊपर से लेगा इधर से ना। नहीं इस ऊपर से ले लीजिए ना, क्योंकि यहाँ से आप लोगे तो फिर यहाँ लगेगा ना। ठीक है, तो ऊपर लेंगे तो फिर वहाँ से होगा, है ना, चलेगा ना जी। और गाइस पूरा काम चल रहा है मेरा, पूरे जोर शोर से काम हो रहा है। अच्छा भाई, मैं क्या पर ये मार्क है ये वाला, तो यहीं पर आप लगाओगे क्या? नहीं नहीं उधर नहीं, कुछ यहाँ नहीं है ना, बस यही है। यहाँ पे दो था ना, तो अभी चार का प्लग आ गया, और एक बाहर का स्विच है वो जो नो लगेगा अपना। अच्छा, तो मान लीजिए इसे इस वॉल में मुझे लाइट लगवाना हो तो डायरेक्ट वो वायर वहाँ जाएगा, है ना? यहाँ से फिर लेना पड़ेगा ना वायर। हाँ ओके, लोग ज्यादा खाते हैं ये एक्चुअली बेसन का बना हुआ रहता है, ये राउंड राउंड आप देख सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। जब शिफ्ट कर लूँ क्या, हाँ तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है गाइस। तो मैं सोच रही हूँ एक मिनट मैं टेस्ट करके बताती हूँ, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है गाइस, मुझे वो क्या होता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगता है। बहुत टेस्टी है, और मैं ये भी लेके आई, बड़ा मज़ा आता है। और वो भी है क्या बोलते हैं वाइट वाला जो रसगुल्ला होता है, वो भी है। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ, ये रख देती हूँ थोड़ा सा, आप लोग भी खा लो यार। आप लोग कैसे खाओगे,
मीठा तो बहुत है। जो कड़कपन होता है ना वो मुझे बहुत पसंद है, और जलेबी हो चाहिए हो इसका नाम। हाँ वहाँ से 1.5 फीट 18 इंच है ना? हाँ वही वही बस वही सेम। हाँ काम तो जोरों शोरों से चल रहा है। घर जाने से पहले मैं ये सारा काम करवा देना चाहती हूँ गाइस, नहीं तो फिर आखिर मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि मेरे पसंद करी तो फिर मूड ख़राब होगा, पैसा बहुत खर्च होता पता ही है, और अपने हिसाब का ना हो अपने मूड का ना हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम आता है। बहुत लाइट वेट है मतलब, तो आप देख रहे हो आप ऐसे बना हुआ है, सी इतना सॉफ्ट है ना, बहुत मज़ा आ रहा खाने में। मैं बहुत खाती हूँ, जब मुझे भूख लगता है ना तो मैं यही सब खाती हूँ, पिज्जा बर्गर। यहाँ पे प्लग भी हो जाता है, एक और स्विच भी हो जाता ये लाइट का, तो यहाँ से पट्टी मार के देंगे, पूछ लीजिए आपको अगर चाहिए तो करके देंगे, उसमें क्या मतलब ये बोर्ड आप निकाल दोगे? हाँ तो यहाँ पे दूसरा बोर्ड लग जाएगा इतना बड़ा वाला, तो एक प्लग भी रहेगा और एक स्विच भी हो जाएगा वो लाइट का, और वहां से ऐसा पट्टी मार के ले लेंगे। अच्छा मुझे तो यहाँ पर एक चाहिए था भैया, यहाँ पे लैंप लगवाना था। मैम बता दीजिए मुझे, कोई इशू थोड़ी है। कर लेट गई हूँ क्योंकि 12:30 बजे आपको पता है मैं घर से निकली थी, और तब से मैं काम अभी भी चल रहा है, और मेरी भी ताकत नहीं बिकॉज सो भी गई थी मैं, पता है आप लोगों को मुझे बहुत नींद आ रहा था, लेकिन अभी आवाज़ आया कि ऑफिस जो इधर का है ना वो रेडी हो गया, तो मैं सोची चलो आप सबको साथ लेके चलती हूँ, और मैंने क्या चेंजिंग किया वो भी दिखाती हूँ। आ जाओ। और कितना टाइम लगेगा भैया? बस वही बोर्ड रह गया, हो गया सारा, हो गया बस 20 मिनट रह गया। अब तो ऑफिस चमक गया। ये सोने की जगह देखो गैस सब गंदा हो गया, तो मैं आप सब अब तो मेरा ऑफिस चमक गया। अब आउच, मैं आप सबको बताना चाह रही थी, पहले ना एक ये लगा था, एक ये लगा था और एक ये लगा था, मतलब चारों तरफ लगा था, लेकिन मुझे ना बीच में, हाँ ये जो बीच का है ना, ये बीच का बड़ा सा, ये बीच में और ये चार और एक्स्ट्रा लगवाई हूँ। थोड़ा सा लाइट का, मुझे लाइट कम लग रहा था, वैसे लाइट ठीक था, लेकिन फिर मुझे लग रहा था थोड़ा और लाइट होना चाहिए, इसलिए ये सब। तो गाइज आप देख सकते हो, लगता है आज मेरा बेड यही होगा, मैं यहीं पर सोऊंगी, क्योंकि जो मेरा सोने का जगह है वो आप देखे ही हो कितना गंदा पड़ा हुआ है। मेरे रुकने का एक और मकसद ये भी है कि कल मेड आएगी तो पूरा ऑफिस साफ करवाना पड़ेगा, और हम रहेंगे तभी साफ़ हो पाएगा, अदरवाइज़ ये लोग उतना अच्छे से नहीं करवा सकते, बोल नहीं पाते ना, लेडीज़ है तो जेंट्स को थोड़ा बोलने में आप समझ सकते हो। तो मैं रहूँगी तो मैं प्रॉपर साफ़ सफाई करवा दूँगी, फिर उसके बाद फिर मैं घर जाऊँगी। तो आज तो मैं यहीं सोऊँगी, और अभी मंगा रही हूँ मैं चिकन, तो मैं चिकन बनाऊँगी ऑफिस में और फिर खाऊँगी, फिर सो जाऊँगी। चलो मिलती हूँ, अब कब मिलती हूँ, जैसे कि मैंने बोला था चिकन मैं बना रही हूँ, नहीं बना दे रही हूँ यार, क्या फर्क पड़ता है।
उसको बुढ़ी है ना, उसकी लड़की है ना, उसका आदमी मर गया। किसका? लड़की का, लड़की का। कौन? नीचे जो रहते हैं। कब? उसकी लड़की आती नहीं क्या? हाँ उनके। सोनाली, सोनाली। हाँ हाँ। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कल रात के लिए बहुत लेट हो गया, आप मुझे याद भी नहीं रहा ब्लॉग को एंड करने के लिए। तो मैं सोच रही थी चलो अभी आपने देखा आंटी आई है तो रोज सुबह उठ जाते हैं, फिर आप आते हैं तो मैं तो आप आते हैं तो फिर मैं और साफ सफाई कर रहे और कोई एक्सपायर कर दो बता रहे क्या बोलो। तो बस मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ गाइस। हाँ, ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और कल मैं फ्रेश ब्लॉग बनाऊँगी। एक्चुअली क्या है ना, मोबाइल का बैटरी भी डाउन हो चुका है। आज मुझे वॉलपेपर और लाइट्स का शॉपिंग करना था, सोची थी कि मैं आप सबको लेकर जाऊँगी लेकिन पॉसिबल नहीं है, चार्जर में लेकर आई नहीं हूँ और जिनके हैं वो लोग भी लेकर नहीं आए। तो ये ब्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ गाइस। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, कमेंट्स तो कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता, ये कमेंट्स कर दो मुझे बहुत अच्छा लगेगा गाइस। और बस चलो आप अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। मिलती हूँ फिर से एक फ्रेश ब्लॉग, तब तक के लिए बाय।